एक छोटा सा सवाल इस सबसे अलग कि हाल ही में पुलवामा में जो हमला हुआ है, जो 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं, उसके बाद जो युद्ध उन्माद का माहौल, वॉर मॉन्गरिंग का जो दौर चल रहा है देश में कि मार दो, खत्म कर दो, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ राय रखते हैं? अगर कुछ अली सिकंदर और तिग्मांशु सर आप लोग बता पाए। आप Tigmanshu, simple question. The film industry has come together, united, and they have decided that films will not be released in Pakistan. Pakistan will be excluded as the foreign market. Your take on the same, and will Milan Talkies be releasing in Pakistan? No, it will not be released in Pakistan. For two reasons. First, this, like you're saying, we stand in solidarity. And दूसरी चीज, piracy जो होती है वो पाकिस्तान से ही होती है. तो हमको कभी भी पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, in spite of कुछ reason चाहे कुछ भी हो. अली कहना चाहेंगे आप कोई राय रखते हैं जो वॉर मॉन्गरिंग का दौर चल रहा है, इस बारे में कोई राय रखते हैं? नहीं, वी आर ऑल इन सॉलिडारिटी. मतलब वही है कि मैं पहले भी किसी को बोला था, डिमोनेटाइजेशन के वक्त हम सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं. इस समय भी अब सबके पास सोल्यूशंस हैं. आई थिंक वी शुड ट्रस्ट द आर्मी, दे आर डूइंग देयर जॉब. नोबडी कैन नो डिस्ट्रक्शन मोर देन अ सोल्जर. एंड आई थिंक या वी हैव गॉट अ ग्रेट ग्रेट आर्मी. वी जस्ट हैव टू स्टैंड इन सॉलिडैरिटी बिकॉज आवर कंट्री कम्स फर्स्ट. सिकंदर, आप कुछ? एक सेकंड, सिकंदर वांट्स टू स्पीक. आई जस्ट थिंक इट्स इजी फॉर मी टू स्टैंड हियर एंड से गो एंड किल बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एंड किलिंग, राइट? सो अगेन आई एम सेंडिंग द जवान्स ओनली. So as Ali rightly said, the army knows what they're going to do. They are, वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है. ये उनका है. So I mean, of course we're all in solidarity. We're all with India, you know. And leave it to the professionals. But I'm not going to say, go, go, kill, kill, go, go, because I'm not going there. So we are with them. We are completely with them, and we completely condone what has happened. But let them. They're going to do what they have to do, you know. सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस इफ यू डोंट माइंड सर. मेरे पापा आर्मी में रह चुके हैं. 30 इयर्स उन्होंने सर्व किया. ही रिटायर्ड एज अ कर्नल, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर. तो बचपन से मैंने ऐसी खबरें बहुत सुनी हैं. देयर वर टाइम्स व्हेन वी वुड बी अफ्रेड अबाउट पापा, एंड वी वर पोस्टेड, ही वाज पोस्टेड, एंड वी वर इन अ पीस स्टेशन. बट उनके कॉल के लिए हम लोग बहुत वेट करते थे. इनफैक्ट वी वुड बी लाइक जस्ट वेटिंग फॉर हिज कॉल एंड टू हियर हिज वॉइस एंड टू नो दैट ही इज ओके. तो we have seen death very closely. We have seen Papa's corps mates dying on field. We have seen my friends becoming orphans in a matter of like, you know, minutes. So I feel like this is a very sensitive topic. Having said that, like we said, the army knows what it's doing, and war is easy to say, easy to make films on, but it's a whole different scene out there. So I think we should keep our opinions, we should be opinionated, but at the same time we should put all our trust in the government and the army. I think they know what they're doing. Sir, aap kuch bolna? Nahi, main completely jo is baat ko dohrane se koi matlab nahi hai. Jo Shraddha ne aur sab teenon ne kaha hai, main usse bilkul completely ittefaq rakhta hu. Fauj ko pata hai unhe kya karna hai. Sir, सर ये जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया गया है, इससे क्या आप सहमत हो कि ये ठीक हो रहा है या नहीं? फिलहाल तो बैन होना ही चाहिए जिस तरह की स्थिति है. जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम भी अपने बाहें फैला लेंगे. आप क्या बोलना चाहते हैं अली सर? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. श्रद्धा, ये आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में. आप कैसे फिल्म मिली, कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. मैंने मेरा फिल्म इंडस्ट्री का पहला मेरा डेब्यू हुआ 2016 में. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका, सो माय फर्स्ट फिल्म वाज कन्नड़ा. वहाँ से मैंने तमिल में किया है एक्ट, तेलुगू में किया है, मलयालम में किया है. सो आई हैव एक्टेड इन फोर इंडस्ट्रीज. उससे पहले आई डोंट नो इफ यू वांट टू नो, बट मैं लॉयर रह चुकी हूँ. सो दैट इज़ एक और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड. बट यस, इट्स बीन 3 इयर्स एंड तीसरे साल में यहाँ पे मेरा डेब्यू हो रहा है. अली जी की और कोई फिल्में, वेब सीरीज देखी है आपने? लाइक
पिछले कैसे ना देखें, बहुत ही धमाल मचाया इन्होंने। ऑफ कोर्स मिर्जापुर जो था हर जगह था, ऑफ कोर्स देखा है मैंने। यस तिग्मांशु जी, इतनी ट्रेलर बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इतनी अच्छी फिल्म को लाने में इतना टाइम? जैसे मैंने पहले कहा कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, शायद इस फिल्म की किस्मत थी 2019-15 मार्च को रिलीज होना, तो इसके लिए मैं और क्या कहूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत सालों से मैं इसको मैंने संजो के रखा था कि कभी बनाऊंगा, कोशिशें करता रहा, इस बार कामयाब हुई कोशिश। तिग्मांशु जी, ये फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर के बारे में भी कुछ बात कर रही है, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे, किस तरीके से इसमें दिखाने की कोशिश की है आपने, और किस तरीके से सिंगल थिएटर्स की जो हालत है वो कुछ उस पर भी आपने बताने की कोशिश की है? देखिए, ये फिल्म 2010 और 2013 के बीच में कही गई कहानी है, 2018 की नहीं है। वो वक्त वो था कि जब तभी प्रिंट चला करते थे, 2013 के बाद से डिजिटल कम्प्लीटली हो गया हिंदुस्तान, तो उस दौर की कहानी है। सिंगल थिएटर में फिल्म देखने का जो एक मज़ा होता था, मीलों लंबी लाइनें, समोसा और सिगरेट की महक से, सिंगल थिएटर का एक महक होती थी उसकी, समोसे और सिगरेट की महक से मिली हुई, वो आज तक मेरे जहन में है, मेरा अभी दिलो दिमाग में बसी हुई है वो। और उसका एक जो मज़ा, बिग थिएटर, हजार लोग एक साथ पिक्चर देख रहे हैं, तो मेरा ये मिलन टॉकीज मेरा ट्रिब्यूट है हिंदी सिनेमा को, जो भी सिनेमा देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब है। Was it difficult, sir? No, it wasn't difficult. I guess if the boss has said it wasn't difficult. No, it was great, yeah. Actually, you know, when the script is written so well, when the characters and the... when it's written seamlessly for an actor, I think any character, I think it's a lot easier to do. When you read something, it just comes out a lot easier. If it's not like that, then it becomes tough. And when I read the script, it was one of the easiest reads that I've ever had. It was great fun to do it. And I think when you're having fun, then it's just smooth. In fact, I'd like to add to this. जब भी मैं सिकंदर के साथ परफॉर्म करती थी, he was so good, उनको देख के मुझे एक गुस्सा आता था, तो जो naturally शायद मेरे परफॉर्मेंस में मुझे चाहिए था, and he was just like extracted the hatred out of me. I don't know whether I should say thank you to that or not. Ali ji, पिछले दिनों में जितना प्यार आपको मिला आपकी वेब सीरीज और फिल्मों से, मिलन टॉकीज से आपकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं आप? ऐसा हम माने? एक कलाकार की उम्मीदें हमेशा बढ़ती हैं हर एक फिल्म जो हम करते हैं, हर फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे से। लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला है, आई एम वेरी हैप्पी। ये फिल्म जो है ये लाइक तिग्मांशु सर ऑल्सो सेड, इनके दिल के बहुत करीब है, बहुत टाइम से ये बना रहे हैं, और ये इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एज एन एक्टर। मैं जिस जो चीज़ें इस फिल्म पे सीखा हूँ, मतलब मैं कहीं ना सीख पाऊँ, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा। 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है, एंड आई होप एवरीबडी वॉचेज इट। बहुत प्यार और शिद्दत से बनाई है हमने, लेकिन जो एक एक्टर के लिए जो कला होती है ना, वो मैंने सर से सीखी है, और वो कोई और पता नहीं, मैं कहीं और नहीं सीख पाता शायद। इतने अच्छे एक्टर्स के साथ, श्रद्धा के साथ तो मैंने पहली दफ़ा काम किया, बहुत मज़ा आया, मतलब मैं बल्कि देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज इंटिमिडेटेड आल्सो, बिकॉज़ शी इज़ अ रियली गुड एक्टर। तो और वो टेबल टेनिस का मैच है यार, वो इधर से जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा इधर से आएगा। हमने पहले भी यही किया है, और आजकल कॉन्टेंट इज किंग, आजकल स्टोरीज आर किंग, एक्टिंग इज किंग, दैट्स वॉट वर्क्स। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री डायरेक्टेड दिस, सो या थैंक यू। श्रद्धा, अरे श्रद्धा हाय, आयो पूछ लीजिए आपका नेक्स्ट। श्रद्धा, योर फिल्म विक्रम वेदा वाज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट इन साउथ, एंड नाउ इट्स बीन, देयर हैव बीन टॉक्स दैट इट्स गोइंग टू बी रीमेड इन बॉलीवुड एज वेल। यस, डू यू वांट, नंबर वन, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस एज टू हु विल बी देयर, इवन शाहरुख सर्स नेम हैज बीन क्रॉप्ड अप इनटू दैट। हाउ डू यू फील अबाउट द फिल्म बीइंग रीमेड, एंड ए, डू यू वांट टू स्टार इन इट, और यू वुड फील दैट देयर इज समबडी एल्स दैट कैन टेक योर प्लेस इन दैट? My answer is obviously yes, I want to star in it. But how do I feel about it? I feel great that it
got so much attention. It was a Tamil film. It was a big Tamil film with big names. But to reach a rational level, and it got selected for so many film festivals, and abhi I think it's dubbed in Hindi, it's available on YouTube, and all that is happening. So feels nice. Feels like you have, slowly you have a bigger audience. The films that you're doing, even though they're regional, they're, the audience is actually national. The answer to your second question, like I said, is yes. I don't know who's doing it, but I'd like to play Priya's part again. Yeah, let others do it. अच्छा तिग्मांशु जी एंड अली जी वो अभी बातें कर रहे हैं तो हम भी क्या हुआ पूछना अबाउट दिल हम लोग कलाकार हैं गुरु हम हमारा क्या है ना कि हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए तो हम वी आर डेड तो वो जो है कारवां चलता रहता है और चलना चाहिए हाँ मतलब हाँ ये तो है मैं बहुत खुश हूँ जहाँ जिस मुकाम पे मैं आया हूँ जहाँ ऑडियंसेस मुझे लाई हैं धीरे धीरे हमने शुरू किया था छोटे काम से फिर थोड़ा बड़ा हुआ उससे आगे गए सफ़र लंबा है तो नहीं अच्छा है बहुत खुश हूँ मैं एकदम ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये तो एक्टर बनना था लॉ में बिल्कुल मन नहीं लगता था एंड आई न्यू दैट आई बिलोंग्ड हियर आई थिंक लाइफ इज द वे यू सी इट इफ यू मेक इट इफ यू बिलीव दैट इट्स सुपर हिट इट इज सुपर हिट अदरवाइज यू विल नेवर बी हैप्पी तो Yeah, just be happy. Yeah, it's just about being happy with yourself. Don't think. Mine is damn simple. After failing, then you learn the most. You know, I learn the most out of failure, and so I don't think about results. It's just a goal. Yeah, and just keep moving. That's about it. It's really simple. Just be happy with yourself and live every day. Respect yourself, love yourself. That way, you can respect others and love others. It's really simple. Baki sab soch to zyada sochoge to कोई फायदा नहीं जी मैं और जिंदगी से क्या चाह सकता था जिस मुकाम में मैं हूँ उस वक्त इलाहाबाद का लौंडा बम्बई में आज एक डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है राइटर है एक्टर भी है और क्या चाहिए लाइफ में मैं खुश हूँ हाय अली रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज अली सवाल पूछने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने मिलन टॉकीज मिर्जापुर के पहले शूट की थी या ये बाद में शूट की क्योंकि मेरा सवाल उसी से जुड़ा है नहीं नहीं बाद में था ये उसके बाद था एंड आई रिमेम्बर सर जब मुझे पहली दफा मिले तो कहने लगे यार ये तो तुम बहुत चौड़े हो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सो आई सेड नहीं मैं यू नो आई ट्राई एंड आई नो आई थिंक देयर सम बिट्स वेयर आई एम स्टिल यू नो यू कैन मेक आउट वो थोड़ा सा था पहला हुआ हूँ मैं बट या इट वाज आफ्टर तो मेरा सवाल ये था या एक्चुअली सिकंदर यूज्ड टू बी या ही वाज द वन यूज्ड टू टेक मी फॉर रन्स मैं एक में आया था और मैं फुक गया था क्योंकि ये बहुत भागते हैं आजकल मैं शायद ज़्यादा भाग सकूं आपके थोड़ा पैर की बात तो अली मेरा सवाल ये था कि जो स्मॉल टाउन मेंटालिटी जो दिखाई गई है मिर्ज़ापुर में एक स्मॉल टाउन मेंटालिटी अलग किस्म की होती है जो शहर से काफ़ी अलग होती है तो कितना हेल्प किया उसने मिलन टॉकीज में जब आप काम कर रहे थे क्योंकि ये भी एक उस तरह का सेटअप है उसका एक्चुअली शहर स्मॉल टाउन हो गए हैं आजकल हमारे तो मतलब वहाँ बहुत बहुत खेल होता है यू नो एंड ऑनेस्टली मैं लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ लेकिन मिर्ज़ापुर अलग एक जगह है वहाँ का जो लहजा है वो अलग है इलाहाबाद में थोड़ा सा अलग हो जाता है हर 10 गज पे बदलता है सब वहाँ का जो भी था मतलब लिटरली माय गुरु वाज तिग्मांशु सर छोड़िए बम्बई को छोड़ के पूरा देश स्मॉल टाउन ही है अगर आप बम्बई से थोड़ा बाहर जाएंगे तो इस बात का इल्म हो जाएगा आपको इज राइट एक्चुअली अच्छा आपसे एक सवाल था तिग्मांशु जी ये फिल्म जो है बहुत साल पहले बनने वाली थी जैसे कि आपने भी कहा लेकिन इस दौरान बहुत सारी कास्टिंग में भी बदलाव हुआ इमरान खान थे पहले प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया था फिर और कोई फिर अब जाकर ये फिल्म बनी इस दौरान आपके लिए क्या कुछ बदल गया किस तरह के फ्रस्ट्रेशन के दौर से आपको गुजरना पड़ा और एक फ्रेशनेस होती है फिल्म बनाने की एक जोश होता है फिल्म बनाने का क्या उससे भी आपको जूझना पड़ा क्योंकि एक लंबा प्रोसेस था फिल्म बन नहीं पा रही थी तो उस दौर को थोड़ा सा डिस्क्राइब आप अगर कर पाए
जब मैं जूझ रहा था इस फिल्म को बनाने में शुरू शुरू में, और फिर जब नहीं होती थी चीजें, हाँ डेफिनेटली ऑफ कोर्स थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट, लेकिन आप यू मूव ऑन. मैंने दूसरी पिक्चरें बनाई उसके बाद, और टाइम गुजरता गया, बनाता गया और भी फिल्में बनाता गया, और फिर जब ये आई तो जो फ्रेशनेस की बात कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट तभी भी फ्रेश थी, शायद तभी मेरे उससे उतर नहीं रही थी, नहीं तो ऐसे कई और स्क्रिप्ट भी लिखी थी मैंने पहले जो अपने नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, और उनको मैंने अब छोड़ दिया, मैं शायद कभी नहीं बनाऊंगा, बिकॉज उसकी एक लाइफ होती है, वो खत्म हो गई. सिर्फ ये चीज़, इसीलिए इस फिल्म को मैंने 2010 और 2013 में रखा, 2018 में नहीं रखा, बिकॉज इस वक्त कम्युनिकेशन और ट्विटर उस वक्त इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जितना अब है, तो वो दो तीन चीज़ें टेक्निकल जो सोशल मीडिया का ऑनस्लॉट है इस वक्त, उस वक्त थोड़ा कम था, इसीलिए पिक्चर को थोड़ा सा पीरियड में रख के मैंने ये फिल्म बनाई, बाकी तो पिक्चर वैसे बिल्कुल ही फ्रेश लगेगी आपको. अच्छा, एक सवाल और था कि एक फिल्मकार के लिए कितना मुश्किल होता है जब उसकी पिछली कुछ फिल्में नहीं चलती है, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करती है, तो एक फिल्मकार के लिए, डायरेक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है कि एक प्रोजेक्ट को वो बनाए और असेंबल करे और नतीजे तक ले जाए? ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, सबके लिए अलग अलग है इसका, मतलब मेरे लिए अगर आप कहेंगे मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, अगर नहीं पिक्चर चली तो मैं हलवाई की दुकान तो खोलूंगा नहीं, बनाऊंगा पिक्चर ही और अपनी गलतियों से सीखूंगा, तो अपनी गलतियों से सीख के मैंने फिर ये आगे बढ़ते हैं,